कॉलेज एडमिशन का आज है लास्ट डेट और मैं अभी जाया हूँ फॉर्म वगैरह लेने के लिए। अरे पीयूष खोल यार गेट जल्दी खोल भाई, आज लास्ट डेट है, बस आज नहीं होता ना फिर एक साल की थक जाती। अबे भाई ने हमारा एडमिशन करवा दिया है, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा रहे हैं। गाइस भाई की घड़ी आ चुकी है। गाइस मेरे बर्थडे पे ना सब खाना खाने आए और मेरे को बिल्कुल वैल्यू नहीं मिल रही। गाइस मेरी वीडियो का फर्स्ट व्यू देखने वाला था और अब तक तो कमेंट भी आ चुकी है, 3 व्यूज आ चुके हैं और इनके भाई साहब के पास वीडियो ही नहीं आ रही। क्या कहना चाहोगे? वीडियो ही नहीं आ रही यार गाइस, ये देखो वीडियो ही नहीं आ रही। ठीक है पनीर है। डेनिस भैया के बर्थडे मेरे केक के तले आओ, केक ले आओ पहला। लास्ट में क्या खा दी भाई, जमा ही को नहीं। गाइस मेरे बर्थडे पे ना सब खाना खाने आए और मेरे को बिल्कुल वैल्यू नहीं मिल रही। भैया लास्ट कहे थे ना मैं रुपया कमाया, भाई आज लाग चुके हैं। आज अनयोग में ज्यादा रोटी जीम हूँ पर ही नाम ज्यादा रोटी तो जीम गयो। ना 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 क्रॉस कर गयो भाई, आगे जिमी हूँ। भाई बिया इंसान देखते तो नहीं जिमी हो बापड़ो पर जानवर आगे बराबर गुण बराबरी कर लिया। मजाक है भाई, मजाक है यार। जानवर मुकर गया भाई जी, देख जानवर कहने भाई यार, बार जानवर नाम संबोधित कर रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और हो चुकी है सुबह, हम जा रहे हैं सिटी पार्क के अंदर घूमने। लोग जाते हैं इवनिंग में, समझ रहे ना क्यों जाते हैं इवनिंग में, आलसी इंसान माहौल देखने जाते हैं, और हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने। सिटी पार्क पहुँचा हूँ और सिटी पार्क के बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है मॉर्निंग में, बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है सिटी पार्क सुबह सुबह आके, मतलब सिटी पार्क हो या कोई भी पार्क हो सुबह सुबह आओ। सुबह सुबह यहाँ पे आते हैं, इतनी शांति मिलती है, पूरे दिन एनर्जी रहती है और बॉडी इतनी रिलैक्स होती है कि पूछो मत। और यहाँ पे ना साउंड लगे हुए हैं, पता नहीं स्पीकर शायद ये पिलर्स वगैरह लगे हैं इनके ऊपर, तो एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजता रहता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, तंग 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 बड़ी प्यारी आवाज़ होती है उसकी। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह लगे हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी बज चुके हैं 12:30 और अब मैं नहा के आया हूँ, अब तक मैंने कुछ खाया भी नहीं सुबह से और मैं खाना खाने जाऊँगा। उससे पहले जो मेरे रूम पार्टनर हैं पीयूष जैन, उनका पार्सल आया, उनके घर से आई है, उनके भाई ने भेजी है घड़ी। अरे भाइयों देख रहे हो सब्सक्राइब रो, भेज दो मेरे को कोई पार्सल वगैरह, एड्रेस दे देता हूँ घर का, घर जा रहा हूँ थोड़े दिनों में, भेज दो यार। तो इनका पार्सल ओपन करके देखते हैं, थोड़े कपड़े वगैरह पहन लेते हैं वरना से बॉडी बूढ़ी है नहीं, शर्म आती है। पीयूष भाई की कुछ पार्सल आया, मैं दिखाता हूँ। हम बात कर रहे थे मैं और पीयूष भाई कि इसके अंदर 20-30 ग्राम गोल्ड निकल जाए, सोना निकल जाए, तो ये मेरे को मार देंगे। मैं तो नहीं यार, 20-30 ग्राम के लिए तो नहीं मारूंगा, देखो 1 किलो 1.5 किलो अगर सोना निकले तो सोच सकते हो भाई, लेजेंडर आ जाएगी, मार देगा भाई। भाई देखो भाई, मैं भी काला हूँ, मेरे को भी लगा दो थोड़ा लो भाई, गोरा दिखने के लिए लोशन लगा रहा है, लोशन से गोरा नहीं होता भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, काले हो काले रहोगे। मैंने भाई तुमने वो नहीं देखा, वो कौन सा क्रिकेटर है कितना काला है, उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। तो वेस्ट इंडीज के सारे काले ही है। नहीं वेस्ट इंडीज के नहीं, वो इंडियन है, उसका हार्दिक पांड्या कितना काला है यार, और उसकी गर्लफ्रेंड देखिए भाई, भाई को मैं बोल रहा हूँ काला रहे, वैसी गर्लफ्रेंड मिले जैसे थोड़े बहुत गोरे हो गए ना, या तो फुल गोरे हो जाओ वरना ऐसे गोरे को तो कुछ ना मिले। खोलो भाई, मैं खोलू, मैं खोलता हूँ। भाई का पार्सल आ चुका है, अब हम इसको खोलने जा रहे हैं। क्या रेजर से खोले, शेयर कर दूं? जिम 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 नो भाई, ओए ओए अरे यार, रेजर भी खराब हो रहा है यार, रेजर खराब कर दिया भाई के लिए, इतना जिगरा देखा
और इसको लगता है कि मैं इसको लगता है कि मैं इसको सोने के लिए मार दूंगा। चलो भाई आगे का पीयूष क्या है, तो पीयूष ही खोल लेगा। चलो भाई खोल ही लेता हूँ। लिटिल बिट एक्साइटेड हमारे पास भी लग रहा है। अच्छा बच्चा हूँ भाई, कितना हैंडसम आ रहा हूँ मेरे को। मैं मतलब अरे चलो हटो हटो, अपने हैंडसम देख के मैं खुद पे फिदा हो गया। सलमान खान भी मेरे सामने क्या है, कुछ नहीं है मेरी हैंडसमनेस के सामने। हम तो सलमान कंपैरिजन किया, मैं तो सलमान खान से हूँ हैंडसम। जस्ट किडिंग भाई। यहाँ पे ना चप्पलें अंदर चली जाती है, ऐसे झुक झुक के निकालनी पड़ती है। पीयूष भाई है ना बहुत बेकार इंसान है, चप्पलें अंदर भगा दी मेरी। नीचे शूज देखो मेरे और गंदी गंदी जुराबें। अभी दिखाते हैं गाइस आपको जुराबें, ये तो ऐसी हो रखी है ये वाली जुराब तो, कि अब तो इनको मैं टच भी नहीं करता। इनको जब मैंने खोली थी ना पूरे रूम में बदबू बदबू हो गई थी, जैसे स्मेली स्मेल। किचन के अंदर खाना खाने भाई खाना खाने आए हैं फाइनली। अब मैं जा रहा हूँ अभय के पास और उसके साथ जाऊँगा मैं सेंट विल्फर्ड कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज नहीं जाऊँगा बॉयज कॉलेज है उसी में जाऊँगा। भाई गेट बाहर की तरफ खोलना है यार, ये वाला ये वाला, ताकि हम जाते हैं एडमिशन वगैरह का कुछ पता करके आते हैं और एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे भी बत्तियाँ जलने लग गई। फाइनली मैं हूँ अब अभय के साथ, इसको आप जानते हो, और अभय वो है जिसके साथ मेरा पहला व्लॉग बना था और यूट्यूब की स्टार्टिंग में शायद टॉप 10 सब्सक्राइबर्स में यही है जो सबसे पहले सब्सक्राइबर्स हुए थे उनमें से भी टॉप 5 में था मैं। टॉप 5 में था हम लोग, टॉप 10 में तो है ही है। और अब हम जा रहे हैं सेंट विल्फर्ड गर्ल्स, नहीं सॉरी सेंट विल्फर्ड बॉयज़ गर्ल्स कॉलेज, दोनों मिक्स है, पीजी कॉलेज, वहाँ पे जा रहा हूँ। एमएससी करने का सोचा मैंने अभी, हाँ लास्ट डेट आई है ना, तब मेरे को याद है कि मैं भी भर देता हूँ फॉर्म और बाकी टाइम तो मस्ती मारी है। और अब हम जाएंगे कॉलेज, वहाँ पे बात करेंगे। अब हम कॉलेज के बाहर आ चुके हैं, पीछे देख रहे हो स्विमिंग। तो अगर ये कॉलेज में टूर्नामेंट हुए ना भाई तो हम इसी कॉलेज में लगेंगे कॉलेज के अंदर। चलो भाई कॉलेज एडमिशन का आज है लास्ट डेट और मैं अभी जाया हूँ फॉर्म वगैरह लेने के लिए। अरे पीयूष खोल यार गेट जल्दी खोल भाई, आज लास्ट डेट है, बस आज नहीं होता ना फिर एक साल की रुक जाती। अबे भाई ने हमारा एडमिशन करवा दिया है, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा रहे हैं, आज हमारी लास्ट डेट है। एन मौके पर काम कर रहे हैं हम सारे काम। एन मौके अगर काम हो जाए ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। फाइनली गाइस हमारा एमएससी के अंदर एडमिशन हो चुका है और अब हम एमएससी के स्टूडेंट हो चुके हैं, अब हम बैंक के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, मतलब हैं लेकिन अभी एडमिशन लेंगे भाई, बिल्कुल मस्ती में है। अभी स्लिप का इंतज़ार कर रहे हैं, जो फीस भरी है उसकी स्लिप आ जाए। और कॉलेज की फ़ीस भरने का पूरे गरीब हो चुके हैं, अकाउंट में बचे सिर्फ 77 रुपीज़, और जो पैटीज वगैरह खाने आए हैं गरीब आदमी है लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे, खाना पीना तो करेंगे। खाएगा ना बोल पैटीज खाएगा। गरीब आदमी को मार रहा है, पैटीज खाने आए हैं, इंसान है जानवर, देखो इतनी सॉस कौन लेता है बे। गाइस इतनी गरीबी आ चुकी है, हमें 15 रुपये फोन पे किए हैं, 5 रुपये कैश दिए, ऐसे करके 20 रुपये इकट्ठे किए हैं और अब हम उनके पानी पता से खाएंगे गोलगप्पे, और कुछ लोग इनको कुछ के बोलते हैं। ये मैडम है, इन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। गाइस अगर आपको सेंट विल्फर्ड कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इनके पास है ना। फाइनली हमारा एडमिशन हो चुका है, हमें मिली वहाँ पे दो बहुत ही सुंदर मैडम, हमने उनकी तारीफ की लेकिन उनको लग रहा था कि यार हम उनकी फिरकी ले रहे हैं, उनको खुद पे ऐसे है कि हम सुंदर नहीं है तो क्या कर सकते। हमने तो बोल के भाई कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो दोनों मैडम। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, damn what a hell of a view. I feel good, you look great.